POS, POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। चाहे आपका व्यापार ग्रोसरी का हो, चाहे किराने की दुकान हो, चाहे आपका गारमेंट स्टोर हो, चाहे आपकी कपड़े की दुकान हो, आप अपने व्यापार में POS सिस्टम को यूज इजी और आसान तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि अपने POS सिस्टम को आप कौन सी व्यापार में आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप ए टू जेड कोई भी आपका व्यापार हो, चाहे आपका रिटेल में हो, चाहे आपका व्यापार होलसेल में हो, दोनों बिजनेस में आप POS का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, POS का इस्तेमाल हमें बिल बनाने के लिए किया जाता है। जैसे आप कोई भी कस्टमर आपके दुकान पे आता है तो उस कस्टमर को आप कोई ना कोई सामान या प्रोडक्ट आप उसको डिस्प्ले कराते हैं, दिखाते हैं। डिस्प्ले देखने के बाद उस प्रोडक्ट को वो परचेज करता है। जैसे वो कस्टमर परचेज करता है तो आपसे बिल का मांग करता है या बिल आप देंगे उसको। जैसे आप बिल को उस प्रोडक्ट को स्कैन कर या उस प्रोडक्ट को ऐड कर जब बिल बनाते हैं, जितनी भी क्वांटिटी में वो प्रोडक्ट लिया हुआ है, बिल बनाने के बाद उसको आप जब बिल का देते हैं तो वहाँ पे कितने रुपए का आपका बिल कटिंग हुआ है, उतने रुपए का आपको उसके रूप में प्रोडक्ट के बदले आपको वो अमाउंट देता है। उस अमाउंट को भी आप अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर या माई बिलिंग पैड के GST बिलिंग सॉफ्टवेयर में इजी और आसान तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और साथ में सेल हुआ, सेल रिटर्न हुआ, परचेज हुआ, परचेज रिटर्न हुआ, इन सब की भी एंट्री आप आसान से कर सकते हैं। और आपका जो स्टॉक की वैल्यू है, कितने रुपए की आपके स्टोर में वैल्यू है, या फिर कौन से सप्लायर का स्टॉक कितना अवेलेबल क्वांटिटी है, इन सब को भी आप इजी और आसान तरीके से चेक कर सकते हैं, ताकि आपके व्यापार के पूरे दिनचर्या में चल क्या रहा है, सारे के सारे पहलू आपके पकड़ में होना चाहिए, तभी आपके व्यापार की तरक्की इजी और आसान हो सकता है।